नमस्कार। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। चलो मुलाकात जितनी देर में होगी उतनी अच्छी है। बस स्नेह मिलना चाहिए, प्रेम बना रहना चाहिए। चाहे जितने बार मिलो, जो आपस का स्नेह है, प्रेम है, वह तो बना ही रहना चाहिए। आज मैं बच्चों से अपने वॉइस की बात करने वाला हूं। बहुत सारे ग्रंथ लिखने पड़ जाते हैं, बहुत सारा लिखना पड़ता है, और मैं कहता हूं छोटी सी कविता ये अगर आपको याद आ गई और याद कर ली आपने, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में समस्याएं तो आनी बंद ही हो जाएंगी। बस उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे इसमें कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कम से कम ऑब्जेक्ट सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है प्रायः पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस की बनती है। और टेंस का पता होना चाहिए। हालांकि टेंस को छोटे रूप में मैंने दिया है, विस्तृत रूप में भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अभी टेंस के प्राण आप लोगों ने देखने बाद ज्यादा पसंद नहीं किए हैं। अगर उसे दो चार बार देखेंगे तो आप देखेंगे कौन किसके बिना, क्या किसके बिना जीवन यापन नहीं करता, कौन किसके बिना, तो आपको पता चल जाएगा विल सेल के बिना फ्यूचर टेंस नहीं होता, विल सेल के बिना। इस प्रकार से आपको टेंस की पहचान हो जाएगी। मेरे बच्चों जरा उसे आप सुनकर के तो देखें, ध्यान देकर तो देखें। सब खेल ध्यान का है। आपने बचपन से जब से आप पैदा हुए होंगे तब से आप महसूस करते होंगे, हर व्यक्ति ने यही कहा होगा, ये बच्चा ध्यान नहीं देता, ये पढ़ता लिखता नहीं, ये अगर ध्यान नहीं लगाता, ऐसा पढ़ता तो बहुत अच्छे ढंग से, ध्यान नहीं देता। सब खेल ध्यान देने का है। अगर आप ध्यान देंगे तो चीज आपको आ जाएगी, अगर आपको ध्यान नहीं जा रहा है उधर, तो बेटा कोई किसी को बदल नहीं सकता। व्यक्ति स्वतः बदला करता है, जिस दिन उसका मन जगता है वो बदलने लग जाता है, और अगर जब तक मन उसका नहीं जगेगा कोई कितना भी जगाए वो जगेगा ही नहीं। इसलिए जगो मेरे बच्चों, आगे सोचो समझो जगो, ध्यान लगाओ, जो चीज सुनो उस पर ध्यान दो। जब ध्यान आपका जाएगा तो आपको सफलता मिलेगी जरूर। थोड़ा देर लग सकती है, एक साथ सफलता मिलती भी नहीं। इसलिए मैं इस समय आज वॉइस की बात करने वाला हूं। इसलिए पता है सबको इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार की होती है, संस्कृत में तीन प्रकार की होती है। उसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहां एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। अब दोनों की परिभाषा आप ध्यान दें, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं, जान लो केवल। कर्ता जिसमें काम करे उसको कहते एक्टिव वॉइस, कर्ता जिसमें काम करे उसको कहते एक्टिव वॉइस, और कर्म जहां पर चढ़कर बोले उसको कहते पैसिव वॉइस। बस एक्टिव पैसिव परिभाषा हो गई। कर्ता जिसमें काम करे उसको कहते एक्टिव वॉइस, और कर्म जहां पर चढ़कर बोले उसको कहते पैसिव वॉइस। अब प्रश्न आता है, हिंदी वाक्यों में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, कैसे वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाई जाए। यह हमारा बड़ा चिंतन का विषय हो जाता है। तो ये बात सोचनी पड़ती है कि आखिर हिंदी वाक्यों की पैसिव वॉइस अगर पहचान कैसे ले। तो सीधा सा है,
तीन वर्ब हो जब हिंदी में, तीन वर्ब हो जब हिंदी में, सेंटेंस लिखा पैसिव में जाए, तीन वर्ब हो जब हिंदी में, सेंटेंस लिखा पैसिव में जाए, भाव न एक्टिव दे पाए। जैसे पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है, पकड़ लिया गया है। आप देखें तीन तीन चार चार हिंदी में वर्ब आती हैं, ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में ही बना सकते हैं। और ये तो पता ही चल गया, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, कर्ता जिसमें काम करे उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, और कर्म जहां पर चढ़कर बोले उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। बस हो गई परिभाषा। अब थोड़ा ये ध्यान दे दे, कविता हमारी चार पांच लाइनों की है, उसे याद कर लो, पैसिव वॉइस आनी शुरू हो जाएगी। आगे एक्टिव ये जो नियम लागू होते हैं, ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस में इस कविता का कोई रोल नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए मैं अलग से आपको एक कविता सुनाऊंगा, अच्छा आनंद आएगा। अगली बार इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपको बताऊंगा, आज सामान्य पैसिव वॉइस की बात करता हूं। पहले पहचानो टेंस को, दूजा देख पड़ोस, पहले पहचानो टेंस को, दूजा देख पड़ोस, यच भी उसकी यूज हो इतना रखना होश, इतना रखना होश जो गलती तुमसे हो जाएगी, इतना रखना होश जो गलती तुमसे हो जाएगी, एक्टिव तो एक्टिव रहे ना पैसिव बन पाएगी, पैसिव में देखो सदा वर्ब तीसरी आए, पैसिव में देखो सदा वर्ब तीसरी आए, बिना यूज इसके कभी पैसिव ना बन पाए। बेटा बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। पैसिव में देखो सदा वर्ब तीसरी आए, बिना यूज इसके कभी पैसिव ना बन पाए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को करना इंटरचेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को करना इंटरचेंज, बीइंग कंटिन्यूअस में एच भी ना हो चेंज। अजब बात है इसमें भैया, अजब बात है इसमें भैया, इंटू एक्ट विद बाई अबाउट, अजब बात है इसमें भैया, इंटू एक्ट विद बाई अबाउट, निश्चित प्रीपोजिशन लाए पैसिव तभी पूर्ण हो पाए, निश्चित प्रीपोजिशन लाए पैसिव तभी पूर्ण हो पाए, इंटू एक्ट विद बाई अबाउट। पैसिव वॉइस का यूज करते समय, पैसिव वॉइस के कार्य करते समय हमें इन टू इंटू एट विद बाई अबाउट जैसे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करना पड़ता है। इनका इनकी पहचान हमें आनी चाहिए, जैसे पता होना चाहिए। ओब्लाइज और नो के साथ बाई की दुश्मनी रहती है तो वहां पर टू लगाते हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा सेंटेंस उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत लिख करके भी तो आपको नहीं आता, जब लिखकर बनना आए तो फिर हम जैसों की बात सुननी चाहिए, क्यों मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको, मौखिक ओरल सिखा रहा हूं। और जब आपको ओरल आना आए नहीं पाएगा तो मैं रिटेन वर्क भी करना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा नहीं, तब तक नहीं हटूंगा जब तक आपको ये सब चीजें आनी शुरू नहीं हो जाती।
अभी धीरे धीरे का प्रयास है, फिर स्पीड का प्रयास होगा, प्रयास करता रहूंगा। जैसे ही राइट्स ए लेटर, मैंने बताया पहले पहचानो टेंस को, टेंस पहचान लिया, ही राइट्स ए लेटर तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका पड़ोसी टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, उसमें देखा ए लेटर एक वचन है इसलिए इज लगेगा। ए लेटर इज रिटन बाई हिम, जो नॉमिनेटिव केस है उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं प्रोनाउन को। ये कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, जैसे ही का हिम, सी का हर, आई का मी, यू का यू ही रहता है, वी का अस, इस प्रकार से अस का वी उल्टा उल्टा आगे पीछे हो जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आई है तो मी हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा, इतना ये थोड़ा और सीखना पड़ेगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस में, मैंने कहा बी कंटिन्यूअस में एच वी ना हो चेंज, इस वाक्य को आप इस कविता की लाइन को पढ़ेंगे तो बीइंग कंटिन्यूअस में एच वी ना हो चेंज, ही इज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। ज्यादा समस्याएं आएंगी आगे और आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर आप ये मेरी कविता याद करें और टेंस जानने के लिए टेंस के प्राण जो कविता दी है उसको थोड़ा ध्यान दें। टेंस और कन्वर्जन की बातें मैंने और कही हैं, अभी और कहता रहूंगा, बस लक्ष्य आप लोगों से मुलाकात करने का है, वो बार बार हो रही है, यही प्रभु कृपा है, यही प्रभु दया है। और हमारे बच्चे, स्नेही बच्चे, ऊंचाइयों को छूते चले जा रहे हैं। मुझे पता है कौन जर्मनी में बैठा है, कौन सिंगापुर में बैठा है, कौन अमेरिका में बैठा है, ऐसे बच्चों तक हम पहुंच पाए यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। जय हिंद।